सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हाँ तो दोस्तों, इस वाली वीडियो बताएंगे, जैसे कि आप लोगों का फोन कहीं गुम हो जाता है या फिर कोई व्यक्ति आप लोगों का फोन चुरा लेता है, तो किन आप लोगों को स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आप लोगों की प्राइवेसी एंड जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आप लोग फोटोज वगैरह हैं, वो सेफ बने रहे और आपका फोन भी आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि कहाँ पर है, कैसे है, गुम हो जाता है तो, अगर चोरी हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, पर बहुत कुछ कर पाएंगे जो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। चोरी हो जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, गुम हो जाता है तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पूरी एंड तक देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है एंड आप लोगों को शेयर कर देनी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। वीडियो पूरी एंड तक देखिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। सो गाइस, आप लोगों को ईमेल आईडी अपनी लॉगिन कर लेनी है, जो भी फोन आप लोगों का लॉस्ट हुआ है तो यहाँ पे आप लोगों को वही ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है गूगल पर आकर। एंड गूगल पे आने के बाद आप लोगों को प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल पे जाने के बाद गूगल अकाउंट पे जाना है, उस पर जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऊपर आप लोगों को मिल रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को फाइंड अ लॉस्ट डिवाइस आप लोगों को करके ये ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड क्रोम पे चले जाना है। फिर आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, फाइंड योर फोन, तो आप मेरा फोन यही है तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों का फोन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो आप लोग इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग एक्सेप्टेड कर लेना है, यहाँ पे आप लोग ये रेडमी के द्वारा आप लोग ये देख सकते हैं टावर वगैरह आप लोगों के जो भी कनेक्शन वगैरह एंड बैटरी कितनी है फोन में, वो सारा कुछ आप लोगों को पता पड़ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप लोग सिक्योर डिवाइस आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, सिक्योर योर डिवाइस, तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर सकते हैं पिन पिन पैटर्न और आप लोग जो भी यहाँ पर और सारे लोकेशंस वगैरह हैं, तो आप लोग इसे एक्सेप्टेड कर लीजिए एंड नेक्स्ट आप लोग मतलब यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट भी आप लोगों फ़ोन को कर सकते हैं जिससे आप लोगों का डाटा सेव हो जाएगा, सब कुछ इरेज हो जाएगा, जो भी फ़ोन लेके गया है वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि गाइस लॉक तोड़ने में अब सब किसी के टूट जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या है कि साउंड भी बजा सकते हैं, अगर आप लोगों का फ़ोन कहीं मिसिंग हो गया है तो आप लोग ऐसे यहीं से आप लोग साउंड बजा के उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं कहाँ पर है, कहीं दूर तो नहीं है, कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग मैप में देख कर आप लोग उस जगह पर जाकर फिर आप लोग साउंड ऑन करके यहाँ पे सुन सकते हैं, अगर वो वाइब्रेट है तो भी बजेगा। गाइस यहाँ पे मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ तो भी बज रहा है, वॉल्यूम डाउन होगा, बिल्कुल डाउन होगा तो भी बजेगा, वो कोई नहीं रोक सकता उसे, ठीक है ना। अगर आप चोरी हो गया है तो भी बजेगा गाइस, तो भी कुछ नहीं हो सकता है तो भी बजेगा। तो इसमें आप लोग इसे फाइंड कर सकते हैं कि आपका लास्ट सीन जो भी फ़ोन का था तो वो कहाँ पर था, तो आप लोग इस तरह से फ़ोन को पता कर सकते हैं कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है और आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट करके तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग यहाँ से कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना, बार बार साउंड आप लोगों को बजा देना है और ये बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला गाइस। तो यहाँ से आप लोग रीस्टोर कर दीजिए, बार बार मतलब रिफ्रेश कर दीजिए आपकी जो आपका डिवाइस है उसका आप लोगों को लोकेशन दोबारा देख लेना, बार बार आप लोगों को रिफ्रेश कर देना है ताकि कहीं चलकर भी जा रहा है, कोई लेकर भी जा रहा है तो उसकी लाइव लोकेशन मतलब पता पड़ जाए कि अभी वो कहाँ पर है, लास्ट सीन आप उसका कहाँ पर है, तो बार बार आप लोग करके देख लीजिए एंड जूम कर लीजिए तो जहाँ पर भी होगा, जहाँ भी आपका इलाका वगैरह होगा तो वहाँ पर आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि मेरा फ़ोन यहाँ पर है एंड ये आप लोगों को होम पे ही पता पड़ जाएगा कि अभी यहाँ पर ये फ़ोन कहाँ पर है। तो बैटरी वगैरह आप लोग यहीं से देख लीजिए एंड यहाँ से फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को संचार साथी आप लोगों को टाइप करना है अपने गूगल पे, अगर उससे नहीं होता है तो आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नो योर फोन, फ़ोन के बारे में जानिए जो भी बहुत सारे यहाँ पर कुछ है। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मैं कुछ और वेबसाइट देख रहा हूँ, तो यही है सही वेबसाइट है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मोबाइल ब्लॉक्ड, अगर मोबाइल चोरी हो गया तो आप लोग उसे ब्लॉक करवा दीजिए, मोबाइल ट्रैक्ड मतलब चोरी मतलब कहीं खो गया है या चोरी भी हो गया तो आप लोग ट्रैक करवा सकते हैं उस मोबाइल को। तो अभी यहाँ पे आप लोग बहुत सारे देख सकते हैं रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से आप लोग अपने फ़ोन को पता कर सकते हैं कि अभी वो कहाँ पर है या फिर आप लोग उसे जो भी उसका EMI नंबर होता है उसे आप लोग ब्लॉक कर सकते हैं जिससे उसकी जो भी कोई सिम डालेगा उसमें सिम कार्ड डालेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब चलेगा ही नहीं उसमें सिम कार्ड, तो वो फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा और आप उसे मतलब ब्लॉक करवा सकते हैं फ़ोन, जिससे आपका डाटा भी बचेगा।
तो कुछ ये स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने चाहिए जब आपका फोन कहीं गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप लोगों को वीडियो सेंड कर देनी है किसी को। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत ही जानकारी भरी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ एंड सब्सक्राइब जरूर कर रखिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सबको पता चल जाए कि उनका फोन और जो भी डाटा वगैरह उनका सेफ हो जाए।